हेलो दोस्तों, रोजगार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कुवैत में भी बहुत सारे लोगों को खाली किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों की नौकरी भी जाने का खतरा है। अभी इसके पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि ओमान में भी बहुत सारे इंडियंस को वापस किया जा रहा है, बहुत सारे जो एक्सपायर्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी नौकरी जाने वाली है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जगह उनको नौकरी दिया जाएगा। मतलब कहने का कि इंडियंस की जगह वो जो लोकल है ओमानीज हैं उनको नौकरी दिया जाएगा। अभी ये जब मैंने न्यूज़ बताई तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैं ओमान में रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है मैं यहाँ पर लोकल हूँ और यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि आप जब कभी भी कोई चीज़ मैसेज मुझे करें तो पहले खुद से सोर्स जो है ना सर्च कर लें कि जो मैंने वीडियो बनाया है वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि मैं अपने आप से कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर आप जो ओमान के लोग हैं, मैंने हालांकि बताया था उसमें कि बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा था मैं, गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ के जो ओमानी हैं उन्हीं को नौकरी देने का प्लान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेंडेमिक की वजह से भी आपको पता है कि हर कंट्री अपने अपने लोगों को जब दे रही है नौकरी तो ओमान वाले क्यों नहीं देंगे। इंडिया में आपको पता है कि CMIE की रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी इंडिया में जा चुकी है। अब जब यहाँ पे इस तरह के हालात हो सकते हैं तो क्या विदेश में किसी भी कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसे वो लोग नहीं कर सकते कि अपने ही लोगों को दें नौकरी, बाहर के लोगों को निकाल दें? इंडिया में भी होते अगर ऐसे लोग तो जाहिर सी बात है पहले हम इंडिया को कंसीडर करते, इंडिया वालों को कंसीडर करते, बाकी बाहर के फॉरेनर्स जो है वो बाद के कंसीडर किए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि फेक है ये और इसमें कोई रियलिटी नहीं है, और हालांकि बहुत सारे उसमें 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 1 लाख लोगों ने वो देखा हुआ है वीडियो, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। लेकिन जो जेन्युइन है, जो लोग जानते हैं इस बात को, जो लोग वेबसाइट सर्च करते हैं, जो लोग न्यूज़ देखते हैं, जो न्यूज़ से देख के अगर बात करेंगे तो वो पूरी तरीके से तहकीकात करने के बाद कमेंट करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भी दी, मुझे पता नहीं गालियाँ क्यों देते हैं लोग, जब वीडियो में रियलिटी है और मैंने बताया जो चीज़ें कि वो होने वाली इम्प्लीमेंट, 1 साल के लगभग टाइम उनका लगेगा। हालांकि ये प्लानिंग है 2021 की और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की एक फेक वीडियो के लिए भी मैंने बताया कि भाई देखो ये ओमान में जो चीज़ें बताई गई थी वो रियल है या फेक है, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें भी मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के एड्रेस दिए। तो मैं जो बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइन नहीं है या आपको थोड़ा सा शक होता है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, नहीं तो गूगल तो है ही है, गूगल में तो कुछ भी चीज़ें मिल सकती हैं कि गूगल में सर्च करेंगे आप कोई भी चीज़ मिल जाएगी, बस आपके सर्च करने का तरीका जेन्युइन होना चाहिए। जो मैंने ओमान की बात बताई है आपको कि ओमान में इतने 8 लाख लोगों के लगभग वहाँ पे जो है नौकरी जाने का खतरा मैंने बताया था, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोग निकाले जाएंगे और वहाँ के लोकल ओमानी वहाँ उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। आप एक कीवर्ड में बता रहा हूँ आपको, ओमान रिप्लेस एक्सपैट्स विद ओमानी या ओमान रिप्लेस एक्सपैट्स विद लोकल, ये डाल देना और आप देखना कि कम से कम 100 से ज़्यादा वेबसाइट आपको मिलेंगी, बस नेक्स्ट करते जाना, जिसमें ये सेम न्यूज़ जो मैंने बताई थी उस 100 वेबसाइट में कम से कम आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि ओमान में ये खबर है कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी खतरे में है। अप्रॉक्स 8 लाख, कोई 7 लाख कैलकुलेशन बता रहा है, कोई 8 लाख कैलकुलेशन बता रहा है, और ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें जब वेबसाइट में दी हैं, सारी जेन्युइन सोर्सेज में दिया हुआ है, तो वीडियो में आपको क्यों लगता है ये गलत है? आप नीचे देख लें, डिस्क्रिप्शन पे दिया होता। इसी तरह से मैं आज बताने वाला हूँ कि कुवैत में भी न्यूज़ आई है कि कुवैत में जो वहाँ के लोकल हैं, कुवैत रिप्लेस करेगा उन लोकल लोगों से, और जो एक्सपैट्स होंगे श्रीलंका के हों, चाहे फिलीपींस के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे इंडिया के हों, मैं आपको बता दूँ इस सारे कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब दी जाएगी। हालाँकि वहाँ के MPs ने अभी ये भी रिक्वेस्ट की है कि वहाँ के जो लोग हैं कम से कम 1 लाख लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दी जाए, वो भी एक्सपैट्स को हटा के। और वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो 70% कम से कम 70% को रिड्यूस करके 30% में लाया जाएगा जो एक्सपैट्स हैं, कि जो बाहरी लोग हैं वहाँ पे 70% अप्रॉक्स विदेशी लोग हैं, क्योंकि टोटल अगर आपको पॉपुलेशन देखी जाए तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि 3.4 मिलियन एक्सपैट्स हैं और उस पे से 4.8 मिलियन में,
कि 4.8 मिलियन टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से 3.4 मिलियन एक्सपैट्स काम कर रहे हैं, जिनको वो किसी भी तरीके से अपने लोकल जो कुवैत के लोग हैं पहले उनको कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो जो विदेशी लोग होंगे उनको। और ये मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये दोनों सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो इम्प्लीमेंट किया गया है इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के पास में महामारी आ गई है और जो ऑयल प्राइस हैं गल्फ के वो भी बहुत ज़्यादा गिर गए, इवन माइनस में भी चले गए। इसकी वजह से कई सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने जगह से लोगों को खाली करना चालू कर दिया है, भेजना चालू कर दिया है, क्योंकि अभी उनके पास जॉब नहीं है। और जैसे ही मार्केट उठती है, क्राइसिस ख़त्म होती है, तो हो सकता है फिर से बहुत सारी जॉब्स आएंगी और फिर से उनको वापस बुलाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले जो है लोकल को कंसिड्रेशन दिया जाएगा, उसके बाद में जो एक्सपैट्स होंगे बाहरी होंगे उसमें इंडिया भी आता है उनको उसके बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आती है और ये खबर है। हालांकि अभी सऊदी से भी एक खबर है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर के 50% जो सैलरी होगी, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को 50% एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाएगी वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। मतलब जो 4,000 से ले कर 15,000 तक की सैलरी है वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को देगी 2 साल तक। हालांकि ये जो न्यूज़ है अभी आपको मैं बता दूं बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स पे आपको नहीं मिलेगी। अभी जो वेबसाइट है मैंने उसके थ्रू बताया है, अभी gulfhindi.com करके एक वेबसाइट है उस पर यह न्यूज़ आई है। अल जजीरा हो गया या गल्फ न्यूज़ करके हो गया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर इसमें भी आती है तो हम आपको कंफर्मेशन करके इसको दोबारा भी बताएंगे। फ़िलहाल जो न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दी है, सैलरी भी वहाँ पे 50%, मतलब कहने का कि आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जिसकी सैलरी 4,000 होगी उसको 2,000 गवर्नमेंट देगी, जिसकी 8,000 है उसको 4,000 गवर्नमेंट देगी, जिसकी 4,000 से लेकर 15,000 तक की सैलरी का ये अप्रूवल दिया गया है कि 4 से लेके जिसकी 15,000 के बीच की सैलरी होगी उसको दिया जाएगा। हालांकि इसकी कंफर्मेशन जैसे ही आती है और भी वेबसाइट्स में तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। फिलहाल जो हमारे सामने आई है न्यूज़ वो मैंने आपको दिखा दी। तो कुवैत से भी बहुत सारे लोगों की वापसी होगी और बहुत सारी कंट्रीज़ में वापसी होगी। इसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप घबरा रहे हैं तो घबरा के या टेंशन आके या चिड़चिड़ा के आप कमेंट कर रहे हैं। ये कमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गल्फ़ में जो जाने वाली नौकरी है वो जाएंगी और जो गल्फ़ में कंट्रीज़ में वापस भेजने वाले लोग होंगे जो वहाँ की गवर्नमेंट भेजेगी वो भेजेगी। ये वीडियो सिर्फ मैं बनाता हूँ आपके लिए ही बनाता हूँ। आप लोगों का अगर मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये वीडियो बनते रहेंगे। इसी तरह से आपके पास जो खबर आएगी एकदम जेन्युइन आएगी और रियल आएगी और आई एम मोर देन हैप्पी कि आप सभी लोगों के थ्रू ही ये वीडियो सर्कुलेट होता है और लोगों के पास भी खबर पहुँचती है। मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अभी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर ज़रूर करते रहिए वीडियो को और हमारी YouTube फैमिली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और भी बहुत सारे जॉब्स के वीडियोस हैं, ऑनलाइन वर्क के वीडियोस हैं, मैं लेके आता रहूँगा। कुछ जेन्युइन चीज़ें मैं देख रहा हूँ पहले, अगर जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी तो ही लेके आऊँगा, वरना बहुत सारी वेबसाइट्स तो ऐसी भी हैं कि जिसमें आप लॉगिन करेंगे तो आपके पैसे ही क्रेडिट कार्ड से कट जाएंगे, अकाउंट से कट जाएंगे। ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करके वेट करना पड़ेगा, लेकिन लेके ज़रूर आऊँगा। तो आई होप कि इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले कुछ न्यू अपडेट्स के साथ में, गल्फ जॉब से रिलेटेड और इंडिया की जॉब से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट अपडेट से रिलेटेड। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।